नमस्ते व्यूवर्स, आज हम गले का डिजाइन बनाएंगे, वो भी पेपर से है। तो यहाँ से हम 3 इंच चौड़ाई रखेंगे गले की, और डीप भी हम 3.5 रखेंगे, और इसका बॉक्स बना लेंगे, और इसमें गोलाई देंगे। तो 1 इंच हम ऐसे निशान अंदर की साइड लगा के फिर इसमें गोलाई दे देना अच्छे से। और फिर यहाँ से हम 3.5 इंच रखेंगे, आप 3 भी रख सकते हो। जैसे 3.5-3 इंच पे हम निशान लगा लेंगे, और फिर इन निशानों को हम मिला लेंगे। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। और यहाँ से हम कट कर लेंगे इसी लाइन के ऊपर। ये मैंने मोटा पेपर लिया है ताकि बनने में इजी रहे गला, और इसको हम खोल लेंगे। ये हम नेट लेंगे, तो ये 5.5 इंच चौड़ा ले रही हूँ मैं, और इसकी लंबाई हम 49 इंच लेंगे। आप कम ज़्यादा ले सकते हो, चुनट कम डालोगे तो कम ले लेना है, ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा ले सकते हो। और यहाँ पे हम ऐसे चूने डालेंगे। तो इस नेट में थोड़ा डिजाइन बना हुआ है तो मैं कम ही डाल रही हूँ, आप ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हो। पूरे में ऐसे डाल लेना है, ये चुन्नट पास पास में डालना है, ज़्यादा दूर भी नहीं डालना है। ये मैंने डाल लिया है पूरे में, और इसमें से थोड़ा बच गया है तो मैंने कट कर लिया है, क्योंकि मैंने इसमें कम ही डाला है। आप ज़्यादा डालोगे तो इतना ही लेना, नहीं तो थोड़ा कम ले लेना। और अभी हम इसको ऐसे जमाते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे, ऐसे बराबर जमाते हुए। ऐसे भी पूरे में सिलाई लगा लेना है। ये पूरे में सिलाई लगा लिया है मैंने, और एक्स्ट्रा नेट है उसको हम कट कर लेंगे। अभी हम इसको साइड में रख देंगे, और ये 3.5 का मैंने ये लिया कपड़ा, इसको ऐसे फोल्ड करना है और ऐसे इस पर सिलाई लगा देंगे। ये मैंने बहुत सारा लिया है, इस पर हम पूरे में ऐसे इसकी डिजाइन बना लेंगे। और अभी हम इसको यहाँ रखेंगे, और इसके ऊपर हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे, एक के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे टच करते हुए, थोड़ा सा ऊपर रखते हुए लगा लेना है। अभी ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे की तरफ, उसको हम कट कर लेंगे।
ये आप कुर्ती टॉप सभी में बना सकते हो इस डिज़ाइन को। तो इसको हम यहाँ रखेंगे, ये कुर्ती के पार्ट पे रखेंगे और यहाँ से हम पिनअप कर लेंगे और फिर हम ऊपर की तरफ पहले सिलाई लगाएंगे। आप पहले नीचे की तरफ सिलाई भी लगा सकते हो और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको नीचे से कट कर लेना है। मैंने किया नहीं था, बाद में करूँगी मैं। आप पहले ऊपर वाला मैं लगाना, नीचे वाला लगा के कपड़ा कट कर लेना और फिर हम यहाँ पे लगाएंगे। और नीचे वाला पेपर भी आप कट कर सकते हो इसी के साथ में, मैंने किया नहीं है, अभी करूँगी मैं। और यहाँ पे ऐसे लगा लेना है। ये मैंने तिरछी पट्टी कट करके लगाई है और इसको वापस ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसको फिनिशिंग के साथ बनाना है। ये लगा लिए मैंने और एक तिरछी पट्टी कट करके और लेंगे हमें इसको, और इसको हम ऐसे फोल्ड करके और इस पर ऐसे सिलाई लगाएंगे। पहले ऊपर की तरफ लगा लेंगे, ज़्यादा खींचना नहीं है इसको, और फिर एक सिलाई और लगा लेंगे या नीचे की तरफ। ये देखो बन गया है। अभी हम इसमें मोती टेस्ट करेंगे। तो आप अब मैचिंग का या अपने पसंद से इसमें मोती लगा सकते हो। और ये नीचे वाला कपड़ा मैं भी कट करूँगी, तो नेट का ध्यान रखना है, नेट ना कट जाए, इसीलिए आराम से ध्यान रखते हुए कट करना है। यहाँ से भी और यहाँ से भी कट कर लेना है, ध्यान रखते हुए कट करना है। ये मैंने कट कर लिया है और अभी हम इसमें मोती टेस्ट करेंगे। तो ये मैंने वाइट मोती ली है और इसकी यहाँ नोकों पे लगा देंगे। तो इसमें दो बार धागा निकालते हुए अच्छे से पक्का करके लगा लेंगे और ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत सुंदर लगेगी। यहाँ पे गांठ लगा लेंगे नीचे की तरफ और फिर आगे और लगा लेंगे हम पूरे में ऐसे मोती। ये देखो बनके रेडी हो गए। वाह कितना सुंदर लग रहा है। थैंक यू।